वापस स्वागत है। मैं जगवीर सिंह, बिजनेस कोच। आज एक और बहुत शानदार स्ट्रेटजी लेकर आए, और वो स्ट्रेटजी क्या है कि आपकी ब्रांड वायरल कैसे हो, यही चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको पता है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि ब्रांड वायरल कैसे हो। कोई नई स्ट्रेटजी हो आपके पास, कोई नया आइडिया हो, मेरे को जरूर बताइए। देखिए, ब्रांड वायरल करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए, वो चाहिए आपको इनोवेशन, दूसरी चाहिए क्रिएटिविटी, तीसरी चीज प्रोडक्ट भी तो चाहिए, चौथी चीज ब्रांड भी चाहिए। इन चारों चीज़ों की हेल्प से आप जो है अपनी ब्रांड को वायरल कर सकते हो। वो कैसे करोगे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने देखा होगा Xiaomi जब इंडिया में आया था उसका कोई वजूद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों का एक फेसबुक का पेज था। उसी पेज की बलबूते पर उसने जो है ये समझ लीजिए कि इतना ट्रैफिक लेकर आया, इतना ट्रैफिक लेकर आया कि फ्लिपकार्ट तक क्रैश करवा दी, और ये समझ लीजिए कि 3 मिनट के अंदर 30 लाख फोन बेच दिए। क्यों? उसने कोई बड़ा काम थोड़ी किया था मनु जैन ने, तो उसने फेसबुक पर एक पेज ही तो बनाया था और उस पेज पर एक छोटी सी पोस्ट बनाई थी, कोई बड़ा काम थोड़ी है। आप तो रोज करते हो इस काम को। उसने इतना बड़ा काम किया था कि आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो क्या था कि उन्होंने उस समय पर ऑनलाइन सेल्स नहीं होती थी, उस समय पर मोबाइल्स को ऑनलाइन नहीं बेचा जाता था, उस समय पर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि लोग ऑनलाइन शिफ्ट होना स्टार्ट किए, उन्होंने उस समय पर कुछ ऐसा किया कि लोगों ने ऑनलाइन परचेज करना स्टार्ट किया, लोगों ने ऑनलाइन मोबाइल फोन्स को खरीदना स्टार्ट किया, कुछ ऐसा नई इंडस्ट्री को उन्होंने क्रिएट किया। और यही तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी कुछ ऐसा बड़ा कीर्तिमान हासिल करिए जिससे आप भी बड़े हों और आपकी ब्रांड भी बड़ी हो। कुछ अपने प्रोडक्ट की हेल्प से इतना बड़ा कुछ कर दीजिए जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू कुछ इतनी स्ट्रांग हो कि लोग उस पर पैसा लगाना चाहें। देखिए, बाबा रामदेव ने क्या किया, बाबा रामदेव ने सेंटीमेंटल, अपने आप को सेंटीमेंटल इतना क्लोज कर दिया, इतना क्लोज कर दिया कि नेशनल सेंटीमेंटल बिल्ड हो गया कि आज की डेट में अगर बाबा रामदेव की शॉप में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसमें से सामान परचेज करके निकलता है ना, तो अपने आप को वो शहीद भगत सिंह से कम नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं देश की सेवा करके आया हूं। ऐसा कुछ है बेसिकली, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि नेशनल सेंटीमेंट बिल्ड हो चुका है और बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो चुका है। तो आपको भी अपनी ब्रांड को लेकर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान को हासिल करना है, और जब कीर्तिमान हासिल होगा तो आप भी बड़े होंगे, आपकी ब्रांड भी बड़ी होगी और आपके प्रोडक्ट की सेल्स भी बड़ी होगी। यही तो मैं भी चाहता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद मेरे को बताइएगा जरूर, और आपको कैसी लगी और आपका कितना फायदा हुआ, आपकी ब्रांड कितनी बड़ी हुई। और बस मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों से भी करवा दीजिए, ऑप्शन पर आप ऑल पर क्लिक करिए और दूसरों से भी करवाइए, हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दूसरों से करवाइए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ।